हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मेरे चैनल सारदा डिज़ाइन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक छोटा सा मोबाइल पाउच बनाना सीखेंगे जो मैंने रैक्सिन का बनाया है। ये देखिए इस तरह से, और इसके अंदर मैंने एक छोटा सा पॉकेट भी लगाया है जिसमें आप अपने पैसे या कुछ भी सामान रख सकते हो। इस तरह से, और मोबाइल लेकर कहीं पर भी जा सकते हो। ये देखिए इस तरह से कितना प्यारा हमारा ये पाउच लग रहा है। अब देखिए ये बनाना किस तरह से है। सब्सक्राइब कीजिए शारदा डिजाइनिंग पॉइंट को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको पता चल सके। मैंने ये मोबाइल पाउच बनाने के लिए इस तरह के दो पार्ट लिए हैं। एक रैक्सिन का लिया है और ये एक फैब्रिक का लिया है जिसकी लंबाई तो 20 इंच है और चौड़ाई 6 इंच। और ये इस तरह का एक पार्ट लिया है जिसकी लंबाई तो चौड़ाई 4 इंच है और लंबाई 6 इंच है। इस तरह से मैंने इसके ऊपर पाइपिंग लगा ली है पहले से ही। पाइपिंग कैसे लगानी है, पहले हम पॉकेट को इस तरह से कपड़े को मोड़ेंगे, फोल्ड करेंगे और इस तरह से पाइप पिन लगा लेंगे इसके ऊपर। और ये इस तरह से राउंड शेप में पाइपिंग लेनी है और ये 7 इंच की जिप लेनी है और ये इस तरह की एक डोरी लेनी है और ये एक रनर और ये एक चिपकाने के लिए ये लेना है। अब सबसे पहले हम फैब्रिक और रैक्सिन को इस तरह से उल्टा करके इस तरह से सिलाई करेंगे। इस तरह से इसको करके करेंगे सीधा सीधी साइड और इसके इस तरह से मोड़ करके अच्छी तरह से इस तरह से इसको कर लेंगे और इसके ऊपर नीचे की साइड से जिप रख के ऊपर से सिलाई कर देंगे इस तरह से। ये मैंने कर लिया और इस तरह से जिप को अलग अलग कर देंगे। एक पार्ट तो इस पर लगा लेंगे और एक पार्ट अलग कर लेंगे। अब इस तरह की हमें ये पिन लेनी है जो ये दूसरी साइड की जिप है हमारी, वो हम इस तरह से देखिए जैसे ये हमारा फैब्रिक और रैक्सिन है। इस तरह से 4 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और जो ये जिप है ऊपर के फैब्रिक से, जो नीचे रैक्सिन का नहीं ऊपर का जो फैब्रिक है उसको इस तरह से मोड़ करके जिप को लगा लेंगे। रैक्सिन नहीं मोड़नी, सिर्फ ऊपर का फैब्रिक ही मोड़ना है। और इस तरह से ये मैंने जिप लगा ली है, रैक्सिन पर नहीं लगानी, रैक्सिन से ये अलग है, सिर्फ फैब्रिक में ही लगानी है। और इस तरह से इसको पिनअप कर लेंगे बराबर करके रैक्सिन और फैब्रिक को। ये आपको, और जो ये एक्स्ट्रा रैक्सिन है उसको कटिंग कर देंगे क्योंकि जब हमने जिप लगाई और वो जो हमारा ऊपर का फैब्रिक है उसमें ही अटैच की है तो वो थोड़ी सी रैक्सिन बढ़ जाएगी, तो इसलिए हम उसको कटिंग कर देंगे और इसको पिनअप कर लेंगे इस तरह से। अब मैंने सिलाई कर ली है और जो पिन थी वे सारी निकाल दी हैं इस तरह से। अब इस तरह से इसको जिधर ऊपर की साइड की जिप है उधर की साइड इस तरह से 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको राउंड शेप देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। ये इस तरह की शेप आ जाएगी। अब जो चिपकन वाला हमारा एक पार्ट है इसको इस तरह से जिप मिलाते हुए इस तरह से एक निशान लगा लेंगे
इस तरह से देखिए दोनों साइड। और जो एक भाग है चिपकन का, वो इस तरह से हम ये लगा लेंगे, वो मैंने लगा लिया है। अब हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे, ये 5 इंच पर लगाना है। और यहाँ पर रखकर ये दो तीन साइड पॉकेट की सिल देंगे। ये इस तरह का आएगा। अब हम इसमें रनर डाल लेंगे। अब रनर डालने के बाद इस तरह से देखिए, और जो एक्स्ट्रा, अब ये देखिए इस तरह से ये पिन लेंगे और इस तरह से दोनों जिप की दोनों साइड बराबर करते हुए लगा देंगे। ये इस तरह का। अब इसको कटिंग कर देंगे, जो एक्स्ट्रा हमारी ये जिप है। ये इस तरह का हो जाएगा। और ये इस तरह से एक्स्ट्रा जो कपड़ा निकल रहा है उसको भी कटिंग कर देंगे। अब हम इस पर ये पाइपिंग लगाएंगे इस तरह से, और जो ये डोरी है, चाहे तो आप ये इस साइड से भी लगा सकते हो, चाहे दूसरी साइड से भी लगा सकते हो। अगर दूसरी साइड से लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको हम बाद में लगाएंगे डोरी को, पहले हम इसको पाइपिंग लगा लेते हैं इस तरह से। इस तरह से जो पाइपिंग लगानी है वो बहुत ही आराम से लगानी है, क्योंकि रैक्सिन पर मशीन काफ़ी हार्ड चलती है। बहुत ही प्यार के साथ लगानी है आराम से, नहीं तो आपकी सुई टूट जाएगी। इस तरह से मैंने इसके चारों तीन साइड पाइपिंग लगा ली है, नीचे की साइड नहीं लगानी है। और इस तरह छोटे छोटे कट कर देंगे इसमें। और इस तरह से एक्स्ट्रा थोड़ा सा कटिंग कर देंगे। और ये इस तरह से पाइपिंग को सीधी साइड करके इस तरह से, जो ये डोरी है ये हमें इस साइड से नहीं लगानी है, ये इस साइड से लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। और इस तरह से जहाँ ये मैंने निशान लगाया है डोरी, हमें पाइपिंग के साथ लगानी है। ये जहाँ ये निशान लगाया था इस तरह से पाइपिंग के अंदर एक साइड रखनी है डोरी की, और सिलाई कर देंगे। इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई करेंगे। और ये डोरी की दूसरी साइड भी इस तरह से पाइपिंग के अंदर रखते हुए इस तरह से पूरी पाइपिंग लगा लेंगे। और सिलाई कर देंगे। ये इस तरह से, ये डोरी आपको इस साइड से ही लगानी है, उस साइड से नहीं लगानी है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा।
अब इस तरह से यहाँ निशान लगाएंगे। और इस तरह से जो दूसरी साइड है वो यहाँ पर लगा लेंगे। इस तरह से ये लगा लिए और इस तरह से हमारा मोबाइल कवर बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पर ये चाहे जो डिज़ाइन लिया है मैंने, चाहे यहाँ पर भी लगा सकते हो, कहीं पर भी या जहाँ भी आपकी मर्जी हो वहाँ पर लगा सकते हो। ये बच्चों के जो टी शर्ट कपड़े होते हैं उनमें इस तरह के डिज़ाइन आते हैं, इनका यूज आप पॉकेट में बैग में लगा सकते हो। इस तरह से बिल्कुल तैयार है ये। इस तरह से आप इसमें मोबाइल रखकर कहीं पर भी जा सकते हो। ये देखिए इस तरह से, और अपने पैसे भी रख सकते हो इसमें, जो अंदर एक पॉकेट लगाया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय।